हेलो, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपके साथ राही कपूर। और मेरा ये व्लॉग आज, ये दो नन्ही सी परियां, एक का नाम दृष्टि और एक का नाम क्या नाम है आपका? हाँ, अभिषी। वैसे मेरे को पता था, मैंने जानबूझ के बोला। तो एक गाती है डोगरी गाने, तो एक गाती है पोइम्स और पेंटिंग भी बड़ी अच्छी करती है। तो मैंने सोचा कि आज इन दोनों से जो है वो बातचीत की जाए। वैसे तो मैं आज जम्मू में हूँ और ये व्लॉग जम्मू के अखनूर एरिया में बना रहा हूँ। और आइए, अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले दृष्टि से बात करते हैं। हाय दृष्टि। हाय दृष्टि, क्या सुनाओगी आज आप? मैं भजन सुनाऊंगी। अच्छा, भजन कौन सा? डोगरी वाला? डोगरी में सुनाओगे भजन? तो सुनाओ फिर। असे जाना अंत वी आधे पार, ओ काली माता बावे वसदी किले, अंदर है मैया जी दा द्वार, ओ काली माता बावे वसदी, बहुलोचन हा राजा मांदा पुजारी, बहुलोचन हा राजा मांदा पुजारी, बहुलोचन हा राजा मांदा पुजारी, मुठा कर दा मां आरती तुआरी, उस राजे दी बोलन जय जयकार, ओ काली माता बावे वसदी किले, अंदर है मैया जी दा द्वार, ओ काली माता बावे वसदी, जीने दी बोर दी मां आथ तो जोर आंदी नी, जीने दी बोर दी मां आथ जोर आंदी नी, छिलियें दी पूजी मां दी सुखन चरांदी नी, छिलियें दी पूजी मां दी सुखन चरांदी नी, बावे आली दी बोलन जय जयकार, ओ काली माता बावे वस दी किले, अंदर है मैया जी दा द्वार, काली माता बावे वसदी। धन्यवाद। तो ये दृष्टि थी, अब हम अभिषी से भी बात करेंगे। वैसे तो कहते हैं कि बेटियां किसी से कम नहीं हैं, वाक्या किसी से कम नहीं है। और टैलेंट की अगर बात करें तो टैलेंट बच्चों में बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन बच्चों को वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। तो अब मैं अभिषी से बात करता हूँ। सबसे पहले अभिषी, बताएं आपका नाम क्या है, कौन सी कक्षा में आप पढ़ती हैं और कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? मेरा नाम अभिषी गुप्ता है, मैं और आठवीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं आर्मी पब्लिक स्कूल अखमुट्ठी की छात्रा हूँ और आज मैं आप सभी को डोगरी में ही एक गीत सुनाऊंगी। हाँ जरूर जरूर, अभी अभिषी से गीत सुनेंगे, फिर दृष्टि से फिर से सुनेंगे। पहले दृष्टि ने गाया, अब अभिषी से सुनते। हाँ ये सुनाओ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारे डोगरे होते हैं, हम जम्मू के लोग हैं, उनको उनकी जो आवाज़ है वो इतनी मीठी होती है कि उसी पे आधारित ये गीत है कि खंड मीठे लोक डोगरे। तो ये गीत इस प्रकार है। खंड मिठड़ी है ओए होए, मिठड़ी है डोगरे दी बोली, ते खंड मिठे लोक डोगरे, हाय है मिठड़ी है डोगरे दी बोली, ते खंड मिठे लोक डोगरे, गल नी उसार दे ते बोलनी उहार दे, गल नी उसार दे ते बोलनी उहार दे, दिंदे नी जवाब ठोकी ठोकी, ते खंड मिठे लोक डोगरे, मिठड़ी है डोगरे दी बोली, ते खंड मिठे लोक डोगरे। बहुत ही अच्छा, मतलब कि अभिषी ने जो है वो खंड मिठे लोक डोगरे जो है वो सुनाया और दृष्टि ने भी सुनाया। अब इनसे और भी बातें हम करेंगे। तो दृष्टि, अब आप क्या सुनाओगे? मैं कविता सुनाऊंगी। कौन सी कविता सुनाओगे? उड़ी उड़ी आई चिड़िया पुजी जम्मू शहर, खंड मिठे लोग इत्थे नाच ग्रना पैर, तवी जाइए पानी पीता तोते अपने पैर, बावे जाइए मत्था टेकिया, बर्फ प्रसादा ली बर्फी बड़ी शैल दिखिया। बहुत वाह वाह, प्रसादे वो बर्फी खाई है तूने? कैसी है? टेस्टी है। फिर आगे देखिया बहु फोर द बाग बगीचा और उधर दी चैल पैर, राजे दे अमर महल दी उइये डल, देखिया बहु फोर द बाग बगीचा और उधर दी चैल पैर, राजे दे अमर महल दी उइये डल। धन्यवाद। वाह, बहुत बहुत बढ़िया तूने गाया।
अभी अभी क्या सुनाएगी? अच्छा पहले हम बातें करते थोड़ी सी, ठीक है? दृष्टि मेरे को ये बताओ कि आप बड़े होके क्या बनोगे? पायलट। ओ पायलट, क्या जहाज उड़ाना तू हैं? अच्छा नहीं, किसी ने तेरे को बोला पायलट बनना है या तू खुद कह रही है? खुद कह रही हूँ। पक्का? झूठ तो नहीं? पायलट बनेगी? अच्छा तूने ये बताया नहीं मेरे को कि तू कौन सी क्लास में पढ़ती है? तीसरी। अच्छा आप तीसरी क्लास में पढ़ते हो, कौन से स्कूल में? छोल पब्लिक हाई स्कूल जोड़िया। जोड़िया, कौन से स्कूल? छोल पब्लिक हाई स्कूल जोड़िया। हाँ तो विशु तू आप बताओ आपका एम क्या है बड़े होके क्या बनोगे? हाँ मेरा एम है कि मैं डॉक्टर बनूंगी बड़े होके। अच्छा तो सबसे पहले मतलब कि डॉक्टर फिर अदर तेरे को करता है, तंग करता है ये? हाँ कभी कभी करता है। अच्छा अभी हम एक और है हमारा फाइटर जिसका नाम है अधर्व गुप्ता, वो मेरे को देख के छिप रहा है, अगर मैं कैमरा उस तरह घुमाऊँ तो वो देखोगे बेड के नीचे घुस गया मेरे को मेरा सुनते ही। चलो कोई नहीं, अभी इसको नहीं दिखाते हमें ना, अभी हम अपनी बातें करते हैं। तो अभी मैं अभिषी से कहूँगा कि अभिषी कुछ आपको सुनाएगी। अभिषी मैंने सुना कि आप ड्राइंग भी करती हो बड़ी अच्छी। हाँ मैं करती हूँ। तो ड्राइंग आपने कैसे सीखी? ड्राइंग मैं स्टार्टिंग से ही, जब मैं छोटी सी थी तो मतलब मेरी मम्मा मुझे ऐसे पेज पे बना के देती थी, तो उसी से मैंने थोड़ी थोड़ी सीख ली। फिर जब बड़ी हुई तो मैंने खुद भी बनाना की, तो ऐसे करके मुझे ड्राइंग ऐसे आ गई। अभी हमें स्कूल में भी सिखाते हैं लेकिन। तो क्या मतलब कि आपने ड्राइंग में मैंने सुना काफ़ी कंपटीशन भी जो है वो अटेंड किए? हाँ मैंने स्कूल में भी एक बार, तब आई थिंक मैं 5th क्लास में थी, तब हमारा कारगिल विजय दिवस पे कंपटीशन हुआ था स्कूल में, तो तब भी मैंने पार्टिसिपेट किया था, फर्स्ट प्राइज आया था। तो उसके बाद भी मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है। तो मतलब उसमें भी आप प्राइसेस जो है वो जीतते रहे? हाँ ज़्यादातर में। अच्छा तो एक मैंने मैं और भी सुना था कि आप वो ना कविताएँ गाते हो, लाइक कहीं मतलब कि कहीं बाहर का आउट ऑफ स्टेट से कहीं आपको वहाँ से भी सम्मानित किया गया था, वो क्या था? हाँ वो एक बाल प्रहरी है बच्चों की, वो एक संस्था है उत्तराखंड में, तो उन वहाँ पर मैं उनके कार्यक्रमों में जाती हूँ, तो वो बहुत ही अच्छी संस्था है। वो ऑनलाइन कार्यक्रम जब भी अभी कोरोना चल रहा था तो उन्होंने बच्चों के लिए गतिविधियाँ बनाई थी, कविताएँ फिर कहानियाँ ऐसे वाद विवाद और त्वरित भाषण होता था जिसमें बच्चों को उसी समय विषय दिया जाता था और मैं उन्होंने अपना भाषण देना होता था, और भी कविताएं जो मैं पहले कार्यक्रम में उनके जुड़ी थी, तो उनका पहला कार्यक्रम दिवाली के अवसर पर था इसलिए उन्होंने हमें स्वरचित अपनी बनाई हुई कविताएं गाने को कहा था। मैंने भी दिवाली के ऊपर एक कविता बनाई थी। अभी उस कार्यक्रम का संचालन भी बच्चे ही कर रहे थे, उसके अंदर विशिष्ट अतिथि भी बच्चे ही थे, तो काफ़ी अच्छे कार्यक्रम थे और अभी भी मैं उन कार्यक्रमों के साथ जुड़ती रहती हूँ जब भी मुझे समय मिलता है। वैसे तो हमारे स्कूल में अभी बहुत ज़्यादा पढ़ाई होती है तो इसलिए समय नहीं मिल पाता, लेकिन जब भी समय मिलता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उन कार्यक्रमों से जुड़ूं। अच्छा तो सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट कौन करता है? वैसे तो मुझे दोनों ही बराबर ही सपोर्ट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा मुझे लगता है कि पापा करते हैं। पुत्र देख ले, अगर पापा ने इंटरव्यू देखा ना तो फिर क्या होगा है? थोड़ा मतलब दोनों एक जैसा ही। अच्छा, करते हैं, कुछ जगह पर पापा ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और कुछ जगह पर मम्मा। अच्छा और क्या मेरे को बताओ कि और क्या इंटरेस्ट है इसके अलावा, और क्या करते हो आप स्टडी के साथ साथ, और एक्टिविटीज क्या रहती है? स्टडी के साथ साथ ये आर्ट एंड क्राफ्ट में, ड्राइंग्स में और ऐसे जो कुछ एक्सपेरिमेंट भी मैंने देखा तुम करती रहती हो। हाँ वो अभी हमें थोड़ी दिन पहले ही वो साइंस का प्रोजेक्ट मिल रहा था, साथ में मेरे पापा ने मुझे बर्थडे पे एक साइंस किट भी गिफ्ट की थी जिसके अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट थे, मैंने वो सारे एक्सपेरिमेंट ख़त्म कर दिए। तो अभी हमें साइंस में थोड़ा सा एक प्रोजेक्ट मिला था कि हमें एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना था, तो मैं अभी थोड़े दिन से वही बना रही थी, तो कभी कभी काम कर रहा था नहीं कर रहा था, तो ऐसे प्रोजेक्ट करने में मुझे मज़ा आता है। ओके तो दृष्टि आप बताओ मेरे को कि आप इसके अलावा और क्या क्या करते हो घर में? मम्मा को तंग करती है तू? नहीं। पक्की बात है? पापा को? नहीं। नहीं तो आपको सबसे ज्यादा कौन मतलब कि सपोर्ट करता है, मम्मा पापा दोनों करते हैं? चल जी ठीक है इनकी। सच में? अच्छा सच्ची है? हाँ। अच्छा और क्या तू फिर पापा को क्या बोलती है कि शाम को क्या लाओ खाने के लिए? मैं कुछ नहीं बोलती। झूठी सच में? है? सच में? अच्छा क्या खाने में क्या पसंद है तेरे को? मेरे को सबसे ज्यादा भिंडी। भिंडी? अच्छा फास्ट फूड भी खाते हैं क्या? फास्ट फूड में क्या? फास्ट फूड में कुरकुरे।
कुरकुरे फास्ट फूड में कुरकुरे खाती है तू? हाँ। कि कुरकुरे मोमो खाती है, मोमोस अच्छे लगते हैं? मोमो हैं अच्छा, ज़्यादा मोमो नहीं खाते है, ठीक है। तो अच्छा मेरे को ये बताओ कि ये जो सारे लोग ब्लॉग देखेंगे, ये वीडियो जो देखेंगे, उनसे क्या कहोगे आप? मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और खुश रहो। अच्छा तेरे वीडियो को, मैं जो बना रहा हूँ मेरे वीडियो को नहीं करना? दोनों भी दोनों को करना है। अच्छा ये एक चीज़ और बताओ कि कहाँ कहाँ घूमने जाते हो आप? हम पत्नीटॉप जाते हैं। वाह क्या बात है, पत्नीटॉप गई थी तू? हाँ। अच्छा और? शिवखोड़ी। शिवखोड़ी भी और? और सनासर। सनासर भी? कैसे कैसा लगा वहाँ पे? अच्छा। अच्छा था, फोटो वोटो खिंचवाए? हाँ। क्या बात है, कौन कौन गया था? माँ पापा, बूजी, फूफू। अच्छा सारे गए थे? हाँ। सबके साथ गए थे? हाँ। कुछ चीजें भी, कुछ खाया भी था या ऐसे घूम के आ गई? नहीं खाया था। खाया था? बहुत कुछ खाया था। अच्छा बहुत कुछ खाया था। अच्छा मेरे को बता दृष्टि कि आप ना और क्या सुनाओगे, कुछ सुनाओगे और? बस आज के लिए इतना काफ़ी है। तो विशु आप ये क्या कहोगे जितने भी व्यूअर्स हैं सबके लिए? अभी मैं यही कहना चाहती हूँ कि अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक वो प्रोग्राम अटेंड किया था, तो उसके अंदर अभी कंपटीशन ही हुआ था हमारी थोड़ी देर पहले हमारे एरिया में ही, तो वो था कि अपने कल्चर को प्रमोट करने का प्रोग्राम। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि हमारा जो कल्चर होता है, हमारा जो मतलब ये हमारी जो लैंग्वेज होती है, हमारा जो अपने ट्रेडिशंस होते हैं, हमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। जैसे कि हमारी जो मातृभाषा डोगरी है, तो हमें उसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी देनी चाहिए, क्योंकि अभी जो हम स्कूल्स में भी जाते हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर डोगरी नहीं पढ़ाई जाती, गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाई जाती है, लेकिन जो अभी हमारे खुद के स्कूल में भी डोगरी नहीं पढ़ाई जाती हमें। लेकिन मैंने जो अपनी मासी हैं, वो उन्होंने डोगरी में PhD की हुई है, इसलिए मैंने उनसे थोड़ी बहुत डोगरी वो मुझे सिखाती रहती है, इसलिए मैं उसी की वजह से मैं कोई डोगरी गीत या पोइम गा पाती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लैंग्वेज को सपोर्ट करें और अपने जो कल्चर है, हमारा जो डोगरा कल्चर है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, ताकि वो भी एक बहुत बड़े कल्चर के रूप में देखा जाए। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अब हमेशा अपनी मातृभाषा का सम्मान करो। हमें सभी भाषाएं पढ़नी चाहिए, आप इंग्लिश पढ़ो, हिंदी पढ़ो, कोई भी भाषा पढ़ो, लेकिन हमें अपनी भाषा को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। ये बहुत बहुत ही मतलब कि बढ़िया संदेश जो है ये अभिषेक गुप्ता ने दिया कि अपनी जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को जो है वो कभी नहीं भूलना चाहिए। तो ये मेरे साथ थी दृष्टि एंड अभिषी, जिनके साथ हमने छोटी छोटी बातें की और आपने देखा कि इन बच्चों का कितना अच्छा फ्लो है बोलने का और इनमें टैलेंट भी है और काफ़ी कुछ जो है इन्होंने अपनी अपने बारे में बताया। और मैं इस ब्लॉग को यहाँ ही क्लोज करता हूँ, लेकिन मैं कैमरा घुमा के दिखाता हूँ कि ये देखो ये एक जो है ये दोनों कैमरा देखे किस तरीके से ये मंजे के नीचे यानी बेड के नीचे जो है वो घुस गए हैं, इतना डर है इनको कैमरे से। एक का नाम है अदर्व गुप्ता और दूसरे का क्या नाम है? कार्तिक। कार्तिक, ये दोनों इनको मैं अभी कैमरे के सामने लाऊंगा और ये दोनों जो है भागे, देखना ये ध्यान से कहाँ कहाँ छिपे हुए, अभी मैं इनके पीछे लगने वाला हूँ तो कहाँ भागेंगे तो देखो देखो कितना डर रहे हैं ये दोनों। तो ठीक है आखिर में हम थैंक यू दृष्टि और थैंक यू अभिषी कि आपने हमारे साथ टाइम दिया और ये छोटा सा व्लॉग जो है वो मैंने बनाया। तो जो मेरे व्यूअर हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा, क्या कहोगे इनको? यही कहूँगी कि आप सभी जहाँ पर भी हैं वहाँ पे सेफ रहें, हैप्पी रहें और हमेशा अपनी जो नहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ऐसे जो ये व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं जो कि एक न्यू तरह का संदेश देते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि ऐसे उनको ऐसे क्रिएटर्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिल सके, ताकि वो न्यू न्यू चीज़ों को लेके आ सके। थैंक यू अभिषु, थैंक यू और थैंक यू दृष्टि। और ठीक है हम जाते जाते सबको बाय करते हैं और वो फिर से अंदर चलेंगे। तो ये हमारा व्लॉग था जो कि इन छोटे बच्चों के साथ जो है वो बातचीत की। तो मैं नेक्स्ट कोई एक व्लॉग, और वैसे तो मैं ब्लॉगर नहीं हूँ, एक न्यूज़ क्रिएटर हूँ, लेकिन जब कहीं अच्छे अच्छे जो है वो कुछ ऐसा कंटेंट मिलता है या कुछ अच्छे बच्चों से अच्छे लोगों से मुलाकात होती है, तो मेरी कोशिश रहती है कि उनसे भी एक हाल चाल यानी उनसे भी बातचीत की जाए। और आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और यदि किसी के अंदर कोई टैलेंट है
तो वो मेरे जो है वो नंबर पर कॉन्टैक्ट करके एनी टाइम हम उसका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरव्यू करेंगे और उसके साथ ब्लॉग भी बनाएंगे। और आप जुड़े रहिए मेंटर न्यूज़ डायरी के साथ, और मेरा अपना ऑफिशियल हैंडल भी है जर्नो राही कपूर, उसको भी यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें। बाय बाय।